जिला अस्पताल की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या, ऑर्थो मेडिसिन डिपार्टमेंट में अधिक भीड़ नजर आ रही है। आगरा में भीषण गर्मी के चलते बीमार हो रहे हैं लोग। आपको बता दें कि गर्मी में उल्टी और तेज बुखार से लोग बेहाल हो रहे हैं। अधिक गर्मी के चलते ओपीडी में लगातार भीड़ नजर आ रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ऑर्थो मेडिसिन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। आगरा में भीषण गर्मी के चलते बीमार हो रहे हैं लोग। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता अनिल के साथ। अनिल, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या संज्ञान ले रहा है? देखिए, बता दें कि अगर बात करें बुधवार की, तो कहीं ना कहीं सामान्य दिनों से मरीजों की संख्या बेहद कम रही। करीबन कुल 1800 नए पर्चे बने, लेकिन अगर बात करें गुरुवार की, तो मरीजों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक देखने को नजर आ रही है। और इस समय की अगर बात करें, अभी इस समय करीबन 11:30 बजे के समय हो रहा है, 2000 से अधिक पर्चे बन चुके हैं। और पुराने अगर पर्चों की बात करें, पुराने मरीजों की बात करें, तो करीबन आधी संख्या पुराने मरीजों की है। और जो क्योंकि गर्मी में जो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसकी असर मरीजों पर पड़ रहा है। और उल्टी, दस्त, बुखार के मरीज जो बीच में थम गए थे, वो एकदम से अचानक से आना शुरू हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि गर्मी एक बार फिर परेशान करेगी। और कहीं भी जो मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है कि 20 जून से पहले लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। बीच हालांकि जो इस बार मानसून है, वो 2 दिन पहले आने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक ये मानसून दस्तक देता है। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम विभाग का जो अनुमान है कि लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जी अनिल, बढ़ती हुई ओपीडी की संख्या को डॉक्टर्स कैसे नियंत्रित कर पा रहे हैं? देखिए, रोजाना ओपीडी चलती है जिला अस्पताल में, 4-5 हजार ओपीडी चली है। और अनुभवी डॉक्टर है, अनुभवी स्टाफ है, तो वो मैनेज कर रहे हैं उस चीज को। और राहत की बात यह कि जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की गई है, तो जिससे फिलहाल कोई परेशानी होती नजर नहीं आ रही। लेकिन एकदम अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात जरूर है। जी अनिल, स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चलाता आ रहा है, उससे कितना फायदा नजर आ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों स्तर पर अपने जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। और तमाम मरीजों को प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इलाज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा असर दिख रहा है। अगर प्रचार प्रसार नहीं किया होता तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। आपको एक बार फिर बता दें, जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑर्थो मेडिसिन डिपार्टमेंट में अधिक भीड़ पहुंच रही है। वहीं भीषण गर्मी के चलते लोग अधिक बीमार हो रहे हैं। गर्मी में उल्टी और बुखार से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं।